नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड के एक बेहतरीन फीचर के बारे में। आप देखेंगे इंसर्ट टैब के अंदर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा लिंक का, जिसको हाइपरलिंक के नाम से भी जाना जाता है। हाइपरलिंक बेसिकली यूज किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइपरलिंक होता क्या है, जिसमें हम वर्ड को किसी भी फाइल या किसी भी वेब पेज के साथ अटैच कर देते हैं और जब भी हम उस वर्ड पर क्लिक करते हैं तो हमारा वो वेब पेज या वो फाइल हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने अपनी वेबसाइट ओपन कर रखी है और इस वेबसाइट पर आप देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर हमने लिंक लगाया हुआ है। इस वाले ऑप्शन पर, इस वाले वर्ड पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमने जो भी डाटा इसके साथ अटैच किया होगा, जो भी हमने कंटेंट इसमें अटैच किया है, वो डाटा आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। एमएस वर्ड में बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिसमें कई तरीके से आप हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि एमएस ऑफिस, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, टेलीप्राइम इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लिंक वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। क्लिक करने से पहले हम यहाँ से किसी वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके ऊपर हमें लिंक लगाना है। मान लीजिए हमने प्रोवाइड्स को सिलेक्ट किया और उसके बाद लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। लिंक ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसके अंदर आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज का ऑप्शन है और इसके अंदर आपको दिखाई देगा, इसमें तीन ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका करंट फोल्डर है, दूसरा ब्राउज पेजेस है और तीसरा रिसेंट फाइल है। तो सबसे पहले हम समझते हैं करंट फोल्डर को। करंट फोल्डर पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे करंट फोल्डर या फाइल्स दिखाई देंगी जिसको आप प्रोवाइड्स के साथ अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यानी जो हमने प्रोवाइड्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है वो टेक्स्ट हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, यानी इसी के ऊपर हमारा लिंक जनरेट होगा और यहाँ से हम किसी भी वर्ड को या किसी भी फोल्डर को उसके साथ लिंक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं डाउनलोड वाले फोल्डर को। डाउनलोड वाले फोल्डर को यहाँ से सेलेक्ट करके जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ओके पर, तो आप देखेंगे प्रोवाइड्स के ऊपर एक लिंक जनरेट हो चुका है। इसमें ब्लू कलर आपको दिखाई देगा और इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, इसका मतलब इसके ऊपर लिंक लग चुका है। और यहाँ पर जैसे आप कर्सर अपना लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे उस फाइल का पाथ आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपकी फाइल कौन सी इसके साथ लिंक की गई है। तो मान लीजिए इस वाले वर्ड को हमें क्या करना है, कंट्रोल को दबा के रखना है और आप देखेंगे आपके सामने हाथ का निशान आ जाएगा। इस वाले निशान के आते ही आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिक्योरिटी की नोटिस आएगी और इस नोटिस को आपको यहाँ पर यस कराना है। जैसे आप इसे यस करेंगे तो आप देखेंगे डाउनलोड का जो फोल्डर था हमारा वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है, यानी इस वर्ड को हमने इस फोल्डर के साथ अटैच कर दिया कि जब भी हम इस प्रोवाइड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो हमारा ये डाउनलोड का फोल्डर हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाए। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से आप लिंक का यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं लिंक को हटाना भी आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप इस वाले लिंक को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा रिमूव हाइपरलिंक का एक ऑप्शन। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भी लिंक यहाँ पर लगाया हुआ है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हम बाकी के ऑप्शन को समझते हैं। फिर से इसी वर्ड को हम सेलेक्ट करते हैं और फिर से लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अब आपको दिखाई देगा ब्राउज पेजेस का एक ऑप्शन, यानी ये वो पेजेस आपको दिखाई देंगे जिसमें हमने रिसेंटली अभी ब्राउजिंग कर रखी है, यानी जो फाइल्स हमने अभी रिसेंटली यूज़ कर रखी है, जो भी ब्राउज कर रखी है, जो भी हमने सर्च कर रखी है, वो फाइल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो उसमें से आप किसी भी फाइल को सिलेक्ट करके जैसे ही यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे प्रोवाइड्स पर फिर से लिंक लग गया। कंट्रोल को दबा करके जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप और यस करेंगे तो आप देखेंगे हमारा वो फोल्डर यहां से रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी ये फोल्डर मैंने पहले कभी यूज किया है जिसमें आपको ये चीजें दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप किसी ब्राउज फीचर को भी लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी के ऑप्शन को समझते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा रिसेंट फाइल्स का। रिसेंट फाइल का मतलब होता है ये हमने रिसेंटली फाइल्स अभी कहीं पर यूज़ कर रखी हैं जो कि हमें यहाँ पर दिखाई देगा। आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारी हमारे लिंक्स भी दिखाई देंगे, हमने वेबसाइट पर भी काफ़ी कुछ सर्च किया है जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा HTTP और HTTPS करके। तो मान लीजिए हम सिस्टम की कोई फाइल सेलेक्ट करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर एक फाइल आपको दिखाई देगी डी ड्राइव में इंस्टीट्यूट वीडियोज़ इमेज नाम से कोई इमेज है, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने और इस पर जैसे हम ओके प्रेस करेंगे
तो आप देखेंगे इसके ऊपर फिर से लिंक लग गया और कंट्रोल के साथ जैसे हम इस वाले वर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यस करेंगे तो आप देखेंगे हमारी वो फाइल जो हमने इसके साथ लिंक की थी वो यहाँ आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो ये देखिए वो फाइल यहाँ से रिप्रेजेंट हो चुकी है। इसी तरीके से आप काफ़ी सारे वर्ड्स को लिंक में जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, तो नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम यहाँ पर कोई दूसरा वर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर लिंक वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करते हैं। तो ये तीनों फीचर्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। यहाँ पर आप देखेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जिसका हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा तीन ऑप्शन, इन तीनों ऑप्शन में से आप किसी भी ऑप्शन का यूज़ करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट की, तो इसके लिए हम इसको फिलहाल कैंसिल करते हैं और सबसे बॉटम में चले जाते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सबसे नीचे डिवाइस का एक ऑप्शन। हम नीचे से इस डिवाइस वाले वर्ड को सिलेक्ट करते हैं और फिर से लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। लिंक ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वापस से चले जाते हैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर और यहाँ सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं हम लोग टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट का। इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसके ऊपर हमारा लिंक यहाँ पर जनरेट हो चुका है। अब ये बेसिकली काम क्या करेगा, कंट्रोल को दबा करके जैसे इस वाले वर्ड पर हम क्लिक करेंगे तो ये सबसे ऊपर ले जाएगा हमें, यानी टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। आप देखेंगे इसको मैं फिर से आपको करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मैं सबसे नीचे हूँ डॉक्यूमेंट के और कंट्रोल को दबा करके इस लिंक पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मुझे सबसे ऊपर यहाँ वीडियोस पर ले जा करके इसने छोड़ दिया। तो यानी कि इसने क्या किया, एक लिंक जनरेट किया सेम डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का मतलब हुआ कि सेम डॉक्यूमेंट के अंदर ही ये लिंक को जनरेट करेगा। अब जैसे मान लीजिए इसमें दो ऑप्शन और दिए गए हैं, हेडिंग्स का और बुकमार्क का, तो उसको कैसे समझेंगे, तो उसके लिए मान लीजिए हम यहाँ से किसी वर्ड को कट कर लेते हैं, यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया हमने और इस वाले वर्ड को यहाँ से सिलेक्ट करके होम टैब में जाकर के इसको हमने हेडिंग वन में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अभी आप देखेंगे ये हमारा हेडिंग में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, वापस से जाते हैं इंसर्ट वाले ऑप्शन पर और यहाँ से जाते हैं वापस से लिंक वाले ऑप्शन पर। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने हेडिंग्स के अंदर थीम ऑफ स्टाइल का एक ऑप्शन जो जिस पर हमने हेडिंग बनाई थी वो यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है। तो अब हमें करना क्या है, मान लीजिए हम यहाँ पर चले जाते हैं सबसे ऊपर और यहाँ पर एंटर एंटर करके थोड़ा स्पेस बना लीजिए और यहाँ पर आप कोई भी वर्ड टाइप कर सकते हैं जिसका आप लिंक इस हेडिंग के साथ करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्सेल इन्फोटेक और एक्सेल इन्फोटेक को यहाँ पर हम सिलेक्ट करके वापस से लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर जैसे ओके प्रेस करेंगे तो इसका लिंक इसके साथ जनरेट हो जाएगा। यानी जब भी आप कंट्रोल के साथ इस वाले वर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये हमें वापस से कहाँ ले जाएगा, इसी वाले थीम पर ले जाएगा। अब मैं फिर से रिपीट करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैं एक्सेल इन्फोटेक पर हूँ और कंट्रोल के साथ जैसे इस वर्ड पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे वापस से कहाँ ला रहा है, इस हेडिंग वन पर ला रहा है। तो इस तरीके से आप हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बुकमार्क की। तो सबसे पहले हम समझते हैं बुकमार्क किसे कहते हैं। बुकमार्क बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि आप इस बुक को रीड कर रहे हैं और रीड करते समय आपने इसको यहाँ तक एंड कर दिया और बाकी का आप ऑप्शन बाद में रीड करना चाहते हैं तो आप उस एरिया को, उस वर्ड को बुकमार्क लगा के छोड़ सकते हैं और जब भी आप नेक्स्ट टाइम इस वर्ड पर आना चाहते हैं तो आप बुकमार्क के जरिए आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए मैं इसको एक बार प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ से किसी भी वर्ड को सिलेक्ट किया, मान लीजिए हमने यहाँ रिमेंबर्स को सिलेक्ट किया। रिमेंबर को सेलेक्ट करने के बाद हम बुकमार्क पे गए। बुकमार्क पे जाने के बाद यहाँ हमने इसको कोई भी नाम दे दिया, मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया ए और ए नाम देने के बाद मैंने इसको यहाँ पर ऐड करा दिया। ऐड कराने के बाद अब जब भी मुझे बुकमार्क पर जाना होगा तो मैं जैसे ही बुकमार्क को सिलेक्ट करके यहाँ से गो टू प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे डायरेक्टली मुझे उस जगह पर, उस लोकेशन पर पहुँचा देगा। इसी तरीके से अगर हम लिंक वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे बुकमार्क में यहाँ पर ए आपको दिखाई देगा। अब ए को आप किसी वर्ड के साथ लिंक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं बुक वन और बुक वन लिखने के बाद इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद वापस से लिंक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने ले लिया ए को सेलेक्ट किया और यहाँ पर कर दिया ओके। अब इसके ऊपर लिंक लग चुका है, कंट्रोल के साथ जैसे इस वाले वर्ड पर हम क्लिक करेंगे तो ये मुझे सीधे कहाँ ले जाएगा, रिमेंबर वाले ऑप्शन पर। तो इस तरीके से आप बुकमार्क का यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने अमेजोन वगैरह में भी देखा होगा कि आप बुकमार्क का किस तरीके से यूज़ करते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के बाद जो भी आइटम्स आप परचेज करना चाहते हैं उन सभी आइटम पर बुकमार्क लगा देते हैं, वो सभी आइटम्स आपको एक जगह पे दिखाई देते हैं और उनका टोटल अमाउंट भी आपको एक जगह रिप्रेजेंट हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप बुकमार्क का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं बुकमार्क को यूज़ करने के। तो ये तो एक छोटा सा तरीका था जो मैंने आपको बताया। इसके बाद हम बात करते हैं लिंक के बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में। हम लिंक वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई देगा थर्ड ऑप्शन जो कि आपका है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का।
अब ये क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट किस तरीके से यूज होता है इसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आप लिंक ऐसे फाइल को करना चाहते हैं जो आप रिसेंटली क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक पाथ दिखाई देगा कि आपका जो डेटा है वो कहाँ पर जा करके सेव होगा। यानी यहाँ पर आप देखेंगे सी ड्राइव के अंदर यूजर नाम का फोल्डर है, उसमें एडमिन नाम का फोल्डर है, उसमें ऐप डाटा नाम का फोल्डर है, रोमिंग माइक्रोसॉफ्ट और वर्ड नाम का फोल्डर है। तो यानी इस यहाँ पर जाकर के आपका कोई भी डाटा सेव होगा जिस फाइल को आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे टॉप पे आपको दिखाई देगा कि नेम ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट। आप नेम ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट यानी कि आप यहाँ पर नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं कोई भी नाम दे करके। तो फिलहाल हम किसी वर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल को यहाँ पे सिलेक्ट किया और वापस से लिंक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पर चले गए। तो आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट टू डिस्प्ले यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाई दे गया। यहाँ पर आप फाइल को कोई नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर नाम दे दिया फाइल को एक्सेल इन्फोटेक। और फाइल का एक्सेल इन्फोटेक नाम देने के बाद यहाँ से आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, जिस भी एक्सटेंशन में आप इसे चेंज करना चाहें यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इसे ऑफिस फाइल ही रहने देंगे, हम इसे वर्ड की फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो हम फिलहाल ऑफिस फाइल रखेंगे। यहाँ से आप जिस भी फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं उसकी एक्सटेंशन को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसी को रहने देते हैं बाय डिफॉल्ट। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर टारगेट फ्रेम का भी एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट के टारगेट्स को भी चेंज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। आप सेम पेज पर भी रखना चाहते हैं तो सेम पेज पर रख सकते हैं, वॉल पेज पर रखना चाहें तो वॉल पेज पर भी आप यहाँ पर इसे रख सकते हैं। तो इसके बाद इसकी सेटिंग करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्क्रीन टिप्स का। यहाँ पर आप देखेंगे हमने जो लिंक लगाना है वो एग्जांपल के ऊपर लिंक लगाना है। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्क्रीन टिप्स पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी नाम देंगे वो नाम आपको वहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं इसका नाम एक्सेल वन के नाम से। एक्सेल वन के नाम से हमने यहाँ पर स्क्रीन टिप्स का नाम चेंज कर दिया है। और उसके बाद नीचे की तरफ आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर। मतलब आपका जो फाइल जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट सेव तो हो जाए बट उसमें एडिटिंग हम बाद में करना चाहेंगे, तो इसके लिए हम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, यानी कि जैसे हम यहाँ पर ओके बटन पर प्रेस करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो ऑन द स्पॉट आपके सामने ओपन हो जाएगा और आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस सेटिंग को यही रहने देते हैं और यहाँ पर जैसे हम ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्सेल इन्फोटेक के नाम से फाइल हमारी जनरेट हो चुकी है और यहाँ पर आप जो भी एडिटिंग करना चाहें वो यहाँ पर इजिली एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी नई फाइल को बनाते हुए भी लिंक को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के ऊपर जैसे हम कर्सर को लेकर जाएंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल का नाम चेंज नहीं हुआ बल्कि उसके ऊपर आप देखेंगे एक्सेल वन के नाम से आपको दिखाई देगा, इसका जो कैप्शन है वो आपको दिखाई देगा एक्सेल वन के नाम से। तो इस नाम को चेंज करने के लिए आप स्क्रीन टिप्स का यूज कर सकते हैं यहां पर। इसके बाद हम बाकी के ऑप्शन को समझते हैं। यहाँ पर लिंक वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करते हैं और सबसे लास्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा ईमेल एड्रेस का। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे चले जाते हैं और यहां पर लिख लेते हैं ईमेल। ईमेल लिखने के बाद इस वर्ड को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद लिंक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और सबसे लास्ट ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया ईमेल एड्रेस को। और ईमेल एड्रेस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं जिसको आप मेल भेजना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी मेल आईडी डाल देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे रिसेंटली हमने इस मेल आईडी का यहाँ पे यूज़ कर रखा है, आप चाहें तो रिसेंट मेल आईडीज का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उसकी हिस्ट्री दिखाई देगी, जिस भी मेल आईडी पर आप मेल करना चाहें उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, सब्जेक्ट आप चाहें तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसी मेल आईडी को यहाँ पर रखते हैं और इसके बाद जैसे हम यहाँ पर ओके बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने लिंक जनरेट हो चुका है। इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल को दबा करके जैसे इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर मेल का फीचर ओपन हो जाएगा और उसमें से जिस भी मेल को हम यूज़ करना चाहते हैं उस मेल को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने गूगल को यूज़ किया तो गूगल को जैसे हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से आपको उसका पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो आपकी मेल आईडी यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी और आप इस मेल आईडी के जरिए डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके किसी को भी मेल भेज सकते हैं। तो इस तरीके से ईमेल का भी लिंक आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से चाहें तो ऐड अकाउंट पर क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट का भी अकाउंट यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अपनी आईडी को यहाँ पर लॉगिन नहीं कर रहे हैं, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया कि इस लिंक का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्रॉस रेफरेंस होता क्या है। बेसिकली क्रॉस रेफरेंस एक तरीके का लिंक होता है जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी सेम डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक क्रिएट करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर जीएसटी टेबल लिखा हुआ है और हम ये चाहते हैं कि जब भी इस जीएसटी टेबल पर हम क्लिक करें तो नीचे की तरफ हमने एक टेबल क्रिएट की हुई है जीएसटी के नाम से, हम डायरेक्टली इस टेबल पर जंप कर जाएँ। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक चार्ट लिखा हुआ है कि जब भी हम चार्ट पर क्लिक करें तो इसी डॉक्यूमेंट के अंदर आप देखेंगे हमने एक चार्ट क्रिएट किया हुआ है, हम चाहते हैं कि उस चार्ट पर यहाँ पर पहुँच जाएँ। तो इस तरीके से आप
किसी भी पिक्चर का, किसी भी टेबल का, किसी भी इमेज का आप क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं, लिंक जनरेट कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप डायरेक्टली उस ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं एक क्लिक से। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल तरीके से करके देखते हैं। क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करने से पहले आपको कैप्शन क्रिएट करना पड़ेगा, यानी जिस चीज़ का हम लिंक क्रिएट कर रहे हैं सबसे पहले हमें उसका एक कैप्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम चले जाते हैं टेबल पर। टेबल पर क्लिक करने के बाद आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट कैप्शन का। इंसर्ट कैप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप कोई भी कैप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं जीएसटी। जीएसटी देने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर लेबल आपको दिखाई देगा। इस लेबल पर आप क्लिक करके आप यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या चीज़ है, कोई इक्वेशन है, कोई फिगर है, कोई लेजेंड्स है या कोई टेबल है। तो इसमें से हम सेलेक्ट करते हैं टेबल को, क्योंकि हमारा ये जो डेटा है वो एक तरीके का टेबल है। अब आप यहाँ पोजीशन की बात करें तो पोजीशन में आप देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, अबव सेलेक्टेड आइटम और बिलो सेलेक्टेड आइटम। मतलब कि आपका जो कैप्शन है वो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे या बिलो यानी नीचे की तरफ दिखाई दे। तो हम इसे अबव सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई लेबल है जो कि यहाँ पर नहीं बना हुआ है, तो उसको बनाने के लिए आप यहाँ पर न्यू लेबल पर क्लिक करके अपना खुद का एक नया लेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर कर देते हैं ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा लेबल जनरेट हो चुका है। तो इसी तरीके से हम चार्ट का एक लेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं इंसर्ट कैप्शन पर। इंसर्ट कैप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं। मान लीजिए हमने नाम दे दिया इसको चार्ट। चार्ट नाम देने के बाद आप यहाँ पर लेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे चारों ऑप्शन में चार्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पर एक नया लेबल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर इसे नाम देते थे हम लोग चार्ट। और चार्ट नाम देने के बाद यहाँ पर हम इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप यहाँ पर इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने अबव को सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसे हमने कर दिया ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसका कैप्शन क्रिएट हो चुका है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर इस इमेज का भी कैप्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से फिर से चले जाते हैं इंसर्ट कैप्शन पर। इंसर्ट कैप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने चार्ट, इक्वेशन, फिगर, लेजेंड्स और टेबल आ रहा है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फिगर को, क्योंकि ये हमारी एक फिगर है। और उसके बाद यहाँ पर आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने नाम दे दिया इसको वाईफाई। वाईफाई नाम देने के बाद यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक हमने अबव सेलेक्ट किया और यहाँ पर कर दिया इसे ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो कैप्शन है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग इसका लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी क्रॉस रेफरेंस का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर जीएसटी टेबल को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके आगे यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिसकी मदद से आप यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। यानी इन सभी चीज़ों के ऊपर आप क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने नंबर्ड आइटम है, हेडिंग्स है, बुकमार्क है, फुटनोट एंड नोट है, चार्ट है, कैप्शन है, इक्वेशंस हैं, लेजेंड्स हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं टेबल्स को। तो यहाँ से जैसे हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो हमने जितनी भी टेबल्स यहाँ पर बनाई हुई हैं वो सभी टेबल्स यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएंगी। यानी जितनी भी टेबल पर हमने कैप्शन बनाया हुआ है वो सभी कैप्शन आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे, जिसमें से आप अपनी कैप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसका लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर टेबल 1 जीएसटी को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे इंसर्ट रेफरेंस टू। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आप यहाँ पर दिखाना क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एंटायर कैप्शन दिखाना चाहते हैं या फिर पेज नंबर दिखाना चाहते हैं। और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर एंटायर कैप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जीएसटी टेबल का यहाँ पर टेबल 1 का एक लिंक क्रिएट हो चुका है। हम इसे क्लोज कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि अब इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही हम अपने कर्सर को इस वाले लिंक पर लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपको कंट्रोल के साथ जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमने यहाँ पर लिंक क्रिएट किया था हम डायरेक्टली वहाँ पर जंप कर जाएंगे। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को दबा कर रखते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर हाथ का निशान शो कर जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे अपनी टेबल पर पहुँच जाएंगे जिसका हमने कैप्शन यहाँ पर यूज़ किया था। इसी तरीके से आप बाकी के क्रॉस रेफरेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम फिर से ऊपर चले जाते हैं और अब हम चार्ट का यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं। तो चार्ट के आगे हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। स्पेस लेने के बाद वापस से हम क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपने चार्ट को सिलेक्ट करते हैं।
तो जैसे ही हम यहाँ पर चार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चार्ट का कैप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा, और इसको सिलेक्ट करके सेम यहाँ से अपने फीचर को जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं, पेज नंबर को या फिर एंटायर कैप्शन को। मान लीजिए हम यहाँ पर पेज नंबर को आपको यूज़ करके दिखा रहे हैं, हम पेज नंबर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जैसे हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पेज नंबर 3 आ गया, और हम यहाँ पर जैसे इसे क्लोज करेंगे और पेज नंबर 3 पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम सीधे अपने चार्ट पर जंप कर जाएंगे। तो इसी तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अब हमारे पास नेक्स्ट बचा है यहाँ पर फिगर का, तो फिगर को कैसे यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर चले जाते हैं वाईफाई वाले थर्ड ऑप्शन पर, और इसके बाद हम वाईफाई का जो हमारा कैप्शन था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, और उसको सिलेक्ट करके जैसे हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और एंटायर कैप्शन लेकर के हम इसे इंसर्ट कर लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो कैप्शन था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसे हम यहाँ पर क्लोज करते हैं और कंट्रोल को दबा के रखने के बाद जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे हम अपनी इमेज पर जंप कर जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। सेम डॉक्यूमेंट के अंदर आप अगर लिंक क्रिएट करना चाहते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस जंप करने के लिए, तो बहुत आसान तरीका है क्रॉस रेफरेंस। तो इस तरीके से आप अपने एक बड़े डॉक्यूमेंट में क्रॉस रेफरेंस की मदद से काफ़ी सारे लिंक क्रिएट कर सकते हैं, फिर वो चाहे आपका फिगर हो, कोई टेबल हो, कोई कैप्शन हो, एंड नोट हो, फुट नोट हो, इन सभी के ऊपर आप क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं।